यहाँ का पूरा जो है घाट दोस्तों देख सकते हैं पानी में डूब चुका है। तो इस टाइम में आप जो है उधर जाने की कोशिश ना करें, वहाँ पे नहाने की कोशिश मत ना करें। यह ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है जो कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं फिर से जल में समा गया है। डिग्री का व्यू देखें, एकदम जल ही जल चारों तरफ नजर आ रहा है दोस्तों। इस वक्त ऋषिकेश में काफी ज्यादा गंगा जी का जलस्तर बढ़ चुका है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों अभी मैं हूं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर और एक बार फिर से माँ गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है दोस्तों। उत्तराखंड में लगातार फिर से जो है मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अभी जो है रात भर बारिश हुई है और जिसकी वजह से अचानक से देख सकते हैं आप ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा जल आ चुका है। और ये त्रिवेणी घाट देखें आप, जहाँ पे गंगा आरती होती है वो पूरी तरह से डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है दोस्तों। और गंगा का जो जलस्तर है माँ गंगा का वह लगातार बढ़ रहा है ऋषिकेश हरिद्वार में, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर फिर से मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों माँ गंगा में उफान आ चुका है, माँ गंगा का जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और आपको मैं वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे माँ गंगा की आरती होती है त्रिवेणी घाट पर। तो ये वो स्थान है दोस्तों, देख सकते हैं फिर से ये जलमग्न हो चुका है, पानी में डूब चुका है दोस्तों, फिर से जलस्तर बढ़ रहा है माँ गंगा का। तो ये गलती आप ना करें। ये देखें वो बच्चा है जो कि बिल्कुल बीच में जा कर के स्नान करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो उस टाइप की गलती आप ना करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहाव इस वक्त आ चुका है माँ गंगा में और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और ऋषिकेश के सभी घाटों पर चल करके मैं अपडेट दूंगा दोस्तों। परमार्थ निकेतन घाट पर राम झूला, लक्ष्मण झूला और इसके अलावा जानकी झूला, जितने भी घाट हैं दोस्तों ऋषिकेश में, सभी घाटों पर चल करके माँ गंगा के जलस्तर का अपडेट दूँगा। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अचानक से जलस्तर आ चुका है दोस्तों। इस स्थान पर दोस्तों माँ गंगा की आरती होती है। यह ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है जो कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं फिर से जल में समा गया है। और अचानक से जो है दोस्तों इतना सारा जल आया अचानक से, क्योंकि रात से ही नहीं दोस्तों, लगभग दो दिनों से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में माँ गंगा का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है दोस्तों। पूरा अपडेट दूंगा तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ ऊपर पहाड़ों से बह कर के आई हैं। और मोटी मोटी लकड़ियाँ, ये मोटे मोटे पेड़ तभी बह कर के आते हैं जब ऊपर पहाड़ों पर भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होती है, तेज बहाव के कारण, मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ों में कटाव होता है, तब ऐसी मोटी मोटे जो है पेड़ जो है बह कर के आते हैं। और ये रात का दृश्य है दोस्तों, ये रात में जो है इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ बह कर के आई हैं और देख सकते हैं बिल्कुल जो है मटमैला पानी आ रहा है। और इस पानी का रंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऊपर पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और कटाव हो रहा है, लैंडस्लाइड भूस्खलन हो रहा है दोस्तों। पूरा जो है दोस्तों एकदम मटमैला पानी आप देख सकते हैं, दूर तक देखें पूरा मटमैला पानी है दोस्तों माँ गंगा का इस वक्त। दोस्तों लगातार जलस्तर बढ़ रहा है तो इस तरह की गलती आप ना करें। देखें आप वहाँ बीच में जा कर के कुछ बच्चे नहा रहे हैं और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है दोस्तों इस वक्त माँ गंगा का। तो इस तरह की गलती आप ना करें क्योंकि जलस्तर किसी भी टाइम उफान पर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और वो जो रेलिंग आप देख रहे हैं वह किसी भी टाइम डूब सकती है दोस्तों। तो इस तरह गलती ना करें क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। शाम तक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जलस्तर बढ़ सकता है, शाम का भी अपडेट दूंगा। अभी ये सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं जिस टाइम मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और त्रिवेणी घाट का दृश्य दिखा रहा हूं। अभी मैं आपको ऋषिकेश के जानकी सेतु और राम झूला, परमार्थ निकेतन घाट, साथ ही साथ लक्ष्मण झूले तक का अपडेट दूँगा दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जलस्तर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है दोस्तों जलस्तर। इस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं आप कि लहरें जो हैं देख सकते हैं उठना शुरू हो चुकी हैं माँ गंगा में ऊंची ऊंची, और दूर तक आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। तो चले जी दोस्तों, अब मैं आपको सीधे जानकी सेतु, जानकी झूले के पास लेकर के चलता हूँ। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों ऋषिकेश के जानकी झूले के पास और यहाँ से माँ गंगा का अपडेट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर तो दोस्तों
यहाँ पर भी जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, रौद्र रूप देखने को मिलने वाला है आपको। ये देखें आप, वहाँ पर देखें कितना तेज़ बहाव है, कितना तेज़ उफान है दोस्तों माँ गंगा का। जानकी झूले का दृश्य दिखा रहा हूँ आपको मैं, और अभी मैं आपको बिल्कुल यहाँ से होते हुए पूरे आगे घाट तक लेकर के चलूँगा, वहाँ तक दृश्य दिखाऊँगा और उस पार भी लेकर के चलूँगा। उधर मैं परमार्थ निकेतन घाट, राम झूला और उसके भी आगे जितने भी घाट हैं सभी के अपडेट दिखाने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में। अभी दोस्तों नीचे आ चुका हूं और बिल्कुल पास से आप माँ गंगा की तेज़ धाराओं को देखें, और वो देखें वहां पे लकड़ी बहती हुई जा रही है दोस्तों, काफ़ी मोटी लकड़ी बहती हुई जा रही है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऊपर पहाड़ों पर जो है भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, उफान वाली बारिश हो रही है दोस्तों, तभी जो है इतने मोटे मोटे पेड़ बह करके आने शुरू हो चुके हैं माँ गंगा में। और इस साइड का दृश्य देखें कितना ज़्यादा डरावना हो चुका है दोस्तों। और अभी जो है पिछले दो तीन दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जो है कल रात से जो है बारिश स्टार्ट हुई है दोस्तों, और लगातार बारिश हो रही है। ऊपर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश फिर से होना स्टार्ट हो चुकी है उत्तराखंड में, विशेष तौर पर चार धामों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों। और आज जो है रात से ही ऋषिकेश में बारिश हो रही है। अभी थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन ये देख सकते हैं पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होने के कारण अचानक से हरिद्वार ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा गंगा जी का जलस्तर बढ़ चुका है दोस्तों। चलिए आपको मैं उधर लेकर के चलता हूँ, बिल्कुल उस साइड, वहाँ से दृश्य दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा जलस्तर बढ़ रहा है दोस्तों, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शाम तक जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका अनुमान लगाया गया है दोस्तों, क्योंकि टिहरी डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। डैम पर काफ़ी दबाव बन रहा है दोस्तों लगातार पहाड़ों में मूसलाधार बारिश होने की वजह से। तो शाम का भी अपडेट मैं एक नई वीडियो बना करके दूँगा, लेकिन अभी ये सुबह के 11 बजे का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सामने देखें दोस्तों एक बहुत मोटा सा पेड़ बहता हुआ जा रहा है, वो देखें आप। फिर से जो है दोस्तों माँ गंगा का उफान आ चुका है, माँ गंगा का रौद्र रूप फिर से देखने को मिल रहा है हरिद्वार ऋषिकेश में। फिलहाल ऋषिकेश के अपडेट मैं दे रहा हूँ आपको, और फिर से जो है ऊपर पहाड़ों पर उत्तराखंड के माँ गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ का दृश्य देखें आप, कितना तेज़ उफान यहाँ पर है दोस्तों। ये देखें आप, काफ़ी तेज़ यहाँ उफान माँ गंगा का देखने को मिल रहा है, और अब धीरे धीरे जलस्तर जो है इस घाट के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है आप देख सकते हैं, और शाम तक काफ़ी ज़्यादा डूबने की संभावना है दोस्तों। शाम का अपडेट मैं शाम को दूंगा एक नए वीडियो के माध्यम से, लेकिन बाकी अभी आप ये देखें आप कितना तेज़ बहाव है माँ गंगा का इस वक्त दोस्तों। अचानक से काफ़ी ज़्यादा जल आ चुका है ऋषिकेश में माँ गंगा में दोस्तों, और बिल्कुल मटमैला जल है। मोटी मोटी लकड़ियाँ, मोटे मोटे पेड़ जो है बह करके ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें घाटों पर लगातार पानी चढ़ता जा रहा है दोस्तों, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे पूरे घाट जो है डूबते जा रहे हैं दोस्तों, और शाम तक काफ़ी ज़्यादा डूबने की संभावना है। अभी मैं आपको परमार्थ निकेतन घाट पर भी लेकर के चलूँगा, वहाँ से भी दृश्य दिखाऊँगा माँ गंगा का कि कितना ज़्यादा जलस्तर डूब चुका है दोस्तों। ये देखें आप, इधर से देखें कितना डरावना रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ का पूरा जो है घाट दोस्तों देख सकते हैं पानी में डूब चुका है, तो इस टाइम में आप जो है उधर जाने की कोशिश ना करें, वहाँ पर नहाने की कोशिश मत ना करें, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, और माँ गंगा में किसी भी टाइम इतना ज़्यादा जल आ सकता है। और श्रद्धालु थे जो वीडियो में आने के लिए कह रहे थे, कहाँ से हैं आप लोग? हरियाणा से आए हैं? अच्छा अच्छा, अभी तो जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है माँ गंगा का। कहीं यात्रा करके आए हैं? अच्छा अच्छा, नीलकंठ के दर्शन करने गए थे? अच्छा अच्छा, हर हर महादेव। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जल बढ़ चुका है। अभी जो है जब वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम थोड़ा सा जलस्तर डाउन था, लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इधर का तो पूरा जो है डूब चुका है घाट, ये आप देखें पूरा घाट इधर का डूब चुका है दोस्तों। नीचे दो सीढ़ियां तक जो है दिखती रहती थी, बट क्या है कि पूरा डूब चुका है। और वो आगे राम झूला है, वहाँ भी मैं चलूँगा आपको दृश्य दिखाऊँगा। और शाम तक तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जल आने का संभावना है, क्योंकि इसी तरह से जल स्तर अगर बढ़ता रहा
ऋषिकेश में अभी बारिश तो नहीं हो रही है, अभी तो मौसम खुला हुआ है, लेकिन ऊपर बादल आप देख सकते हैं पहाड़ों पर लगे हुए हैं, तो अभी उमस भी हो रही है, तो संभावना है कि यहाँ पर भी बारिश अभी कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगी। बट पहाड़ों पर अभी भी बारिश हो रही है दोस्तों, पहाड़ों पर दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसीलिए ऋषिकेश में काफ़ी ज़्यादा जल आ चुका है और बिल्कुल रेतीला जल है, मटमैला जल है। और ऐसा जल तभी आता है जब पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होती है, पहाड़ों पर भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ों का कटाव होता है, मोटे मोटे पेड़ बहकर आ भी रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा जो है माँ गंगा का जल आप देख सकते हैं मटमैला बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा उफान आ चुका है। और धारा माँ गंगा की जलधारा देखिए कितनी तेज़ गति से प्रवाहित हो रही है दोस्तों। एक बार यहाँ से आप चेक करें दोस्तों कितना ज़्यादा रौद्र रूप है माँ गंगा का। और सामने परमार्थ निकेतन घाट है, वहाँ पर चल करके दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ से एक बार पूरा आप 360 डिग्री का व्यू देखें, एकदम जल ही जल चारों तरफ नज़र आ रहा है दोस्तों इस वक्त ऋषिकेश में। बिल्कुल लग रहा है जल सैलाब आ चुका है, अचानक से माँ गंगा में जल सैलाब आ चुका है दोस्तों ऋषिकेश में, ये देख सकते हैं आप। अब दोस्तों जानकी पुल को पार करके उस तरफ चलते हैं और उस तरफ के घाटों के आपको अपडेट देते हैं। उधर मैं आपको परमार्थ निकेतन घाट के अपडेट दूंगा और राम झूला के अपडेट दूंगा। इसके बाद हम आज लक्ष्मण झूले के पास भी चलेंगे, वहां के भी घाटों के अपडेट देने वाले हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम इस पार आ चुके हैं जानकी सेतु को क्रॉस करके और अभी इधर के घाटों के दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। और ये देख सकते हैं अभी दो दिन पहले का मैं आपको अपडेट बताता हूँ कि जो माँ गंगा का जलस्तर था वो जो आप पिलर देख रहे हैं उसके उधर तक था दोस्तों, लेकिन मैंने बताया कि कल से लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों पर लगातार परसों से बारिश हो रही है दोस्तों, स्पेशली चार धाम की तरफ लगातार बारिश हो रही है दोस्तों, जिसकी वजह से ऋषिकेश में फिर से माँ गंगा में उफान आ चुका है। और ये देखें जल बिल्कुल इसके ऊपर से बहता हुआ आ रहा है दोस्तों, ये दृश्य देखें कितना खौफनाक बन चुका है और शाम तक जलस्तर और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है दोस्तों। तो शाम का अपडेट मैं एक अलग वीडियो में दूंगा, बाकी ये जो है दोपहर या फिर कह सकते हैं सुबह के टाइम का अपडेट मैं दे रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं कितना तेज़ बहाव है दोस्तों इस वक्त। यहाँ की भी सीढ़ियाँ दोस्तों डूबती ही जा रही हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी शाम का दृश्य मैं बताता हूँ कि जो माँ गंगा का जलस्तर था वो जो आप नीला वाला पार्ट देख रहे हैं वहाँ तक था, उसके नीचे तक था, बट अभी क्या है देख सकते हैं लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और सीढ़ियाँ एक एक करके डूबती जा रही हैं दोस्तों घाटों की। और आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो बालू की रेत आप देख रहे हैं, देखने से ऐसा लग रहा है ये रात का दृश्य है, क्योंकि रात में ऋषिकेश में काफ़ी तेज़ बारिश हुई, पहाड़ों में लगातार बारिश हुई, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक पानी आ चुका था रात में दोस्तों। बट जैसा भी है अपडेट मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे दोस्तों माँ गंगा का सबसे ज़्यादा रौद्र रूप देखने को मिलता है और यहाँ माँ गंगा बिल्कुल गर्जना के साथ शोर के साथ प्रवाहित होती हैं। और माँ गंगा का शोर जो है गर्जना, तेज बहाव की गर्जना आप सुन सकते हैं इस स्थान से। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर, यहाँ से भी आपको माँ गंगा का जलस्तर का अपडेट देते हैं। तो ये जी दोस्तों ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन घाट और ऋषिकेश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है और यह स्थान ऋषिकेश का पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। सामने भगवान शिव जी की प्रतिमा है, तो यहाँ का भी आप जलस्तर देख सकते हैं दोस्तों, जो भगवान शिव जी का आसन है या फिर कह लें चबूतरा है दोस्तों, उसके लगभग कह सकते हैं बराबर में पानी अब बहने लगा है। जब पिछली वीडियो बनाया था लगभग तीन दिन पहले, तो उस टाइम पानी जो है वो भगवान भोलेनाथ का जो सिंहासन है पत्थर का, उसके आधे तक पहुंच गया था, लेकिन आज जो है शाम तक फिर से पानी जो है वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। तो शाम का अपडेट ज़रूर देखिएगा। अभी ये तो मैं सुबह का अपडेट मतलब 11-12 बजे के आसपास का अपडेट दिखा रहा हूँ,
और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। घाटों की सीढ़ियां लगातार पानी में समा रही हैं, तो उम्मीद है कि फिर से एक बार माँ गंगा का जलस्तर भगवान भोलेनाथ के आसन तक पहुंच सकता है शाम तक, क्योंकि ऊपर उत्तराखंड में पहाड़ों पर चार धाम में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ऋषिकेश में भी बारिश हो रही है। ऊपर पहाड़ों पर देखें बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं, थोड़ी सी उमस हो रही है, तो यहाँ पर भी कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो सकती है दोस्तों। पूरा अपडेट दूंगा दोस्तों, हर पल का अपडेट दूंगा माँ गंगा के जलस्तर और माँ गंगा के घाटों से संबंधित, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये जो पुल आप देख रहे हैं, अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी के अंदर समाता जा रहा है, पानी की लहरें इस पुल के ऊपर से अब जो है आने लगी हैं, जलस्तर जो है इस पुल के ऊपर से बहने को है, इस तरह से जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। और ये देख भी सकते हैं आप, तो कुछ ही घंटों में ऐसा लग रहा है कि जो भोले बाबा का आसन है, भोले बाबा का जो चबूतरा है दोस्तों, वह भी डूब जाएगा माँ गंगा में, तो उस अपडेट को भी मैं दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं जो जल की लहरें हैं, माँ गंगा की लहरें हैं, इस पुल से ऊपर से जो है उछाल मार रही हैं दोस्तों, तो जलस्तर बढ़ रहा है, कुछ ही घंटों में इसके ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, भोले बाबा के आसन में पानी जो है उसके ऊपर तक लहरें उछलना शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। तो अभी हम आपको लेकर के चलते हैं राम झूले के पास, वहाँ से अपडेट दिखाते हैं। वो है जी दोस्तों राम झूला, वहाँ तक मैं आपको लेकर के चलूँगा, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं घाटों की सीढ़ियाँ लगातार डूब रही हैं दोस्तों। इस साइड देखें आप, घाटों की सीढ़ियाँ लगातार डूबती जा रही हैं पानी के अंदर, और यहाँ से पूरा एकदम ऋषिकेश में आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा अचानक से जल सैलाब आ चुका है दोस्तों माँ गंगा में। इधर से आप देखें एक बार, ये पुल कुछ ही पलों में डूब सकता है दोस्तों, जब इसी तरह से जल स्तर बढ़ता रहा तो। और ऐसा उम्मीद जताई गई है कि अब जलस्तर बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं ऋषिकेश हरिद्वार में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ से आप देखें कितना तेज बहाव है माँ गंगा का दोस्तों। और कल की बात बता रहा हूँ, ये जो आप पोल देख रहे हैं इसके नीचे तक पानी था, लेकिन आज जो है अचानक से जलस्तर इतना तेज़ी से बढ़ने शुरू हुआ है कि वहाँ सीढ़ियों तक पानी पहुँच चुका है, और कुछ ही घंटों में वो बिल्कुल ऊपर तक घाटों तक पानी पहुँच जाएगा दोस्तों, क्योंकि काले बादल अब फिर से डराने शुरू कर दिए हैं और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी ऋषिकेश में भी। और ये जो जल है, अभी तो आप पहाड़ों का जल, चार धाम का जल देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, उसका प्रभाव है इस वक्त। चलिए दोस्तों, घाटों से होते हुए हम आपको राम झूले तक लेकर के चलते हैं और वहाँ के अपडेट आपको दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी कल शाम का ही अपडेट बताता हूँ, ये जो आप पोल देख रहे हैं जो डूबा हुआ है, ये पोल पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, यानी जो माँ गंगा का जलस्तर था बिल्कुल इसके नीचे था, लेकिन अभी देखें आप, ये पोल पूरी तरह से डूबता हुआ नज़र आ रहा है और एक एक करके घाट की सभी सीढ़ियाँ पानी में समाती जा रही हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से माँ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है ऋषिकेश में। वो देखें दोस्तों, काफ़ी बड़ी सी लकड़ी बह करके जा रही है दोस्तों। जब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब से लगभग एक घंटे का समय हो चुका है, क्योंकि मैं वीडियो त्रिवेणी घाट से स्टार्ट किया था और अभी मैं ऋषिकेश के राम झूले के पास आ चुका हूँ। तो इतने समय में जो है जलस्तर देखें कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पूछा भी मैंने कुछ लोगों से, लोकल लोगों से, उन्होंने बताया अब जलस्तर लगातार बढ़ने ही वाला है, यानी कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शाम तक जलस्तर बिल्कुल इन सीढ़ियों तक आ जाएगा दोस्तों। ये देखें इधर का पूरा जो है सीढ़ियों वाला घाट डूब चुका है, और ये जो छोटे छोटे पोल आप देख रहे हैं कल शाम तक पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी क्या है पूरी तरह से डूब चुके हैं। सामने राम झूले का दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा भयानक रूप होता जा रहा है माँ गंगा का ऋषिकेश में दोस्तों। तो ये रेतीला जो बालू आप देख रहे हैं घाटों पर जमा है, ये दोस्तों रात का दृश्य है, रात को पानी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था, लेकिन अभी दिन में फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है माँ गंगा का, ये देख सकते हैं। और शाम का अपडेट मैं नई वीडियो में दूंगा दोस्तों, बाकी ये जो है 11 बजे से दोपहर के आसपास का अपडेट है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं। चलिए अभी आपको हम राम झूले के पास लेकर के चलते हैं। अभी दोस्तों मैं राम झूले के पास आ चुका हूँ, ये देखें यहाँ पर भी जलस्तर तेज़ी से बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं।
यहाँ पे सीढ़ियाँ थी दोस्तों, कल शाम तक ये सीढ़ियाँ पूरी तरह से अंदर तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से आज जलस्तर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है माँ गंगा का। और सामने ऋषिकेश का राम झूला है दोस्तों, जो कि पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। इस पुल में कहीं पर बीच में आप सपोर्ट नहीं देख सकते हैं। इस पुल पर जब आप चढ़ेंगे तो ऊपर नीचे हिलता है दोस्तों, एक डर सा पैदा होता है दिमाग में, और यही खासियत है इस राम झूला पुल की दोस्तों। और बाकी हम आपको लक्ष्मण झूले तक का अपडेट दिखाने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी चलिए अभी चलते हैं किसी दूसरे घाट के पास। अभी दोस्तों हम राम झूले के ऊपर आ चुके हैं, और ये देखें किस तरह से हिलता रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पुल हिलता रहता है, ये राम झूला हिलता रहता है दोस्तों। फर्स्ट टाइम आप आएँगे तो आपको लगेगा, डर लगेगा कहीं टूट ना जाए, बट यही इसका खासियत है इस राम झूले का। चलिए इसको पार करके हम उस पार आपको लेकर के चलते हैं। बाकी यहाँ से आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं माँ गंगा का। तो ये देखें दोस्तों, इस साइड जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दोस्तों प्राकृतिक घाट बने हुए थे, प्राकृतिक बीच बने हुए थे, माँ गंगा के द्वारा बनाए गए थे। एक पिकनिक प्लेस थे जहाँ पर यात्री टूरिस्ट आते थे, नहाते थे, वहाँ समय व्यतीत करते थे उस बलुए घाट पर बैठ करके। बट देखें आप, पूरी तरह से डूबा हुआ इस वक्त माँ गंगा में दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों शत्रुघ्न घाट पर। ऋषिकेश में मेनली तीन घाटों पर माँ गंगा की भव्य आरती आयोजित होती है, जिनमें से एक घाट ये शत्रुघ्न घाट भी है दोस्तों। बाकी एक परमार्थ निकेतन घाट है और दूसरा ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है। इन तीनों घाटों पर माँ गंगा की भव्य आरती आयोजित की जाती है दोस्तों। यहाँ का भी अपडेट आपको दे देता हूँ, तो इस स्थान से माँ गंगा की जो लहरें हैं वो काफ़ी डरावनी नज़र आती है दोस्तों। शत्रुघ्न घाट से जो माँ गंगा के जलस्तर की लहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी नज़र आती हैं, या आप देख भी सकते हैं। बाकी जलस्तर बढ़ रहा है दोस्तों, घटने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि शाम तक जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और यहाँ तक आ सकता है, ये सब कुछ डूब सकता है। तो अभी से मैं आपको बता देता हूं, तो कृपया आप जो है अगर इस वक्त ऋषिकेश में हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो प्लीज़ अंदर जाकर के स्नान ना करें, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, किसी भी टाइम डेंजर हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। बाकी चलिए अब मैं आपको लक्ष्मण झूले के पास ले चलता हूँ, वहाँ का अपडेट दिखाता हूँ। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूले के पास। ये लक्ष्मण झूला है जो कि क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कई वर्षों से बंद हो चुका है दोस्तों। बट इसी के बगल में ये जो आप देख रहे हैं, ये कांच का पुल बनाया जा रहा है, शीशे का ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि कुछ ही महीनों में बन करके तैयार हो जाएगा। बाकी चलिए नीचे चलते हैं घाट के पास, वहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं। ये है जी दोस्तों लक्ष्मण झूले के पास का सुंदर सा घाट, और यहाँ पर दोस्तों माँ गंगा की गहराई बहुत ज़्यादा है। ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर माँ गंगा गहरी हैं तो वह इसी स्थान पर है दोस्तों, लक्ष्मण झूले के पास। वो लक्ष्मण झूला आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों माँ गंगा जी की यहाँ प्रतिमा थी, जो कि पिछली बार जो बाढ़ आई थी, जलस्तर जो था माँ गंगा का दोस्तों बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ तक आ गया था, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रही वहाँ तक। और उसी दौरान यहाँ की जो मूर्ति है क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो शायद इसीलिए यहाँ से उस मूर्ति को हटा दिया गया है। और आगे दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो घाट है दोस्तों, इसे तपोवन सार्वजनिक घाट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप लक्ष्मण झूला आएंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। राम झूले से लक्ष्मण झूले की जो दूरी है वह लगभग 2 किलोमीटर की है, और बेहतर होगा कि आप स्कूटी या बाइक से यहाँ तक आएँ, क्योंकि काफ़ी पैदल चलना पड़ जाता है। अगर आप ऑटो से आएंगे तो पैदल आपको ज़्यादा चलना पड़ जाएगा। थोड़ा सा आगे का दृश्य दिखाता हूँ आपको मैं, कितना मोटा मोटा पेड़ बह करके आ रहा है दोस्तों। दोस्तों ये जो सामने वाला आप व्यू देख रहे हैं, यहाँ पर आपको याद होगा कि जो पहली वीडियोस मैं बनाया हूँ गर्मियों के टाइम में, उस टाइम ये पूरा एक नेचुरल बीच था, जो कि आज डूबा हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ ध्यान करते हैं, योगा करते थे। यहाँ बीच था बहुत बड़ा सा, माँ गंगा के द्वारा बनाया गया एक कुदरती बीच था, जो कि अभी क्या है, माँ गंगा में समा गया है पूरी तरह से दोस्तों। और ये देख सकते हैं इतने मोटे मोटे बड़े बड़े पेड़ बहा करके माँ गंगा ने यहाँ तक लाया है, और ये तभी होता है जब ऊपर पहाड़ों पर
भूस्खलन होता है, तेज बारिश होती है दोस्तों। और अभी देख सकते हैं कितना मटमैला पानी बह कर के आ रहा है, बिल्कुल एक मलबेदार पानी बह कर के आ रहा है दोस्तों। और ऊपर पहाड़ों में कन्फर्म है कि भूस्खलन हो रहा है, बाकी लगातार मूसलाधार बारिश तो हो ही रही है दोस्तों, उसके साथ साथ भूस्खलन की भी घटनाएं हो रही हैं, तभी इतना मलबेदार गंदा पानी, बिल्कुल मटमैला पानी बहते हुए आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत मोटी सी लकड़ी, एक बहुत मोटे से पेड़ का तना, वो देखें बहता हुआ जा रहा है दोस्तों। वो ध्यान से देखें आप, बहुत बड़ा सा मोटा सा पेड़ का जो है तना बहता हुआ माँ गंगा में जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने ऋषिकेश के लगभग जितने भी प्रमुख घाट थे, प्रमुख स्थान थे, उन सभी जगहों से मैंने माँ गंगा का आपको लेटेस्ट अपडेट दिया और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, यह भी मैंने दिखाया दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।